जैन फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। और आज आप लोगों के आर्मी भर्ती से रिलेटेड या आर्मी के बारे में जो आपके क्वेश्चन हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका साहिल कुमार जी का, और ये बोलते हैं सर एसीसी के लिए हमें क्लर्क में जाएं या टेक्निकल ट्रेड में। तो मेरे भाई, आप एसीसी एग्ज़ाम, चाहे आप क्लर्क में हो, चाहे आप टेक्निकल्स में हो, चाहे आप जीडी में हो, आप किसी भी ट्रेड के माध्यम से आप दे सकते हैं। इसके लिए ट्रेड की कोई बाध्यता नहीं है। आप इंडियन आर्मी में एक जवान हैं और आप 12th पास हैं तो आप एसीसी दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये बोलते हैं जया स्वाग, और ये बोलते हैं सर ओटीए में गर्ल्स लेफ्टिनेंट बनती है तो हेयर कट करवाना जरूरी होता है। तो मेरी बहन, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ओटीए में अगर गर्ल्स लेफ्टिनेंट बनती हैं तो चोटी कटवाने का ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं, और हमने देखा भी नहीं कभी आज तक। लेकिन हाँ, बालों की एक ड्रेसिंग जरूर होती है जिसमें आपने देखा होगा, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, जो आप देखते हैं जाली टाइप पे लगा के रखते हैं वो लोग बालों को, मतलब जो ऐसे चोटी बनाते हैं उसमें फंसा के रखते हैं। अब इसको जो भी कहते हैं अपनी भाषा में, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन ये होता है कि हाँ, ड्रेस में है तो आपको ड्रेस सेंस प्लस बॉडी स्ट्रक्चर आपको आर्मी के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ये बोलते हैं आर के इंटरटेनमेंट, ये बोलते हैं सर रनिंग के तुरंत बाद मेडिकल होता है या अलग डेट दिया जाता है। तो मेरे भाई, रनिंग के तुरंत बाद ही मेडिकल नहीं होता है, उसके लिए अलग डेट दिया जाता है। जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होता है उस दिन सिर्फ आपका फिजिकल के इवेंट होते हैं, और मेडिकल के लिए आपको डेट अलग से मिलती है। अब लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं दिलीप राणा जी, ये बोलते हैं सर अगर किसी कारण से आधी ट्रेनिंग के में ही जॉब छोड़ना चाहूँ तो सर आर्मी में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? मेरे भाई, सेना की वर्दी पाने के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी बाधाओं को पार करते हैं, कितनी भीड़ को पार करते हुए, मतलब एक सैनिक बनना यार कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। और जब आप अपॉर्चुनिटी वो हासिल कर लेते हैं और उसके बाद जॉब छोड़ना, ये तो अपने आप में यार एक बेकार सा क्वेश्चन मुझे लगता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई लोग होते हैं ऐसे, आज अभी का तो नहीं बोल सकता लेकिन काफ़ी पुराने टाइम पर कई लोग जॉब छोड़ के जाते थे किसी के घर में, अगर कुछ खास इमरजेंसी कुछ कंडीशन हो जाती है तो तब, और उनको स्वेच्छा से कारण बताना पड़ता है। फिर उस मामले में उनके सीनियरों की मीटिंग होती है, कई बार उनको मिलना पड़ता है, अपने कारण रखने पड़ते हैं। अगर सेना को लगता है कि नहीं, इसका वाकई में जाना बहुत ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में उसको रिटायरमेंट भेजा जाता है, नहीं तो उसको बहुत मोटिवेट किया जाता है आर्मी के प्रति, आर्मी के प्रति जोश भरने का कि आप एक सैनिक हैं, ऐसे करके माइंड को बहुत मोटिव किया जाता है। लेकिन किसी का ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो बात अलग है। फ्रेंड्स, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बोलते हैं मनोज सिंह मनराल जी, ये बोलते हैं सर क्या जीडी में भर्ती होने के बाद भी नर्सिंग असिस्टेंट में जा सकते हैं अगर हमारी 12th में बायोलॉजी है तो? तो मेरे भाई, मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप सोल्जर जीडी में भर्ती हो गए हैं तो आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में रिमिस्ट नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट में या किसी भी रेजिमेंट में अगर जीडी ट्रेड में आ गए हैं तो वहाँ से आप नर्सिंग असिस्टेंट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सेना में जीडी में आने का मतलब सारे सपने ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि सपनों को पंख लगाना होता है। जीडी की ट्रेड के क्या फ़ायदे हैं उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। सोल्जर जीडी बेनिफिट सबसे, मैं कह रहा हूँ, इंडियन आर्मी का सबसे एडवेंचरस ट्रेड है। और अगर आपको फिर भी नर्सिंग असिस्टेंट बनने का शौक है ही, तो जीडी वालों को बीएफएनए का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। बीएफएनए यानी कि बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट, इसमें आपको एमसी के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लड़ाई के मैदान में अगर आपका साथी यानी कि आपके नर्सिंग असिस्टेंट कैजुअल्टी हो जाए तो एक जीडी का जवान भी किस प्रकार फर्स्ट एड की कार्रवाई कर सकता है। और जो एनए की ट्रेनिंग होती है उसको कुछ बहुत वैसी ट्रेनिंग बीएफएनए कोर्स के अंदर में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं दीपा विक्रम, सर मेरा एज 25 ईयर्स है, मेरा नोक नी प्रॉब्लम है, ठीक हो गया क्या सर एग्ज़ाम से? प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई, नोक नी को लेके मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट कह दूँ, किसी का बिल्कुल ही जॉइंट है तो वो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी को हल्की फुल्की नोकनी की प्रॉब्लम है तो मैं आपको बोल रहा हूँ 100% ये एक्सरसाइज के द्वारा ठीक हो सकता है। और नोकनी का मैंने वीडियो बनाया, खुद पर्सनली मैंने आपको एक्सरसाइज करके दिखाया। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करें और एक
लगाने वाला भी मिलता है आपको, अमेजोन पे देखा था मैंने कि उनको घुटने के बीच में फिट हो जाता है। अगर उसको लगा के रात को सोएं और एक्सरसाइज करें तो आपकी नौकनी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। वो जो मटेरियल है अगर वो मेरे को मिल जाएगा, मैं उसका जरूर लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये बोलते हैं नीरज परियार, सर जनरल कैटेगरी वालों के लिए आंतरिक वेरिफिकेशन क्या होता है? कसम परेड से पहले कितनी बार वेरिफिकेशन होता है? मेरे भाई भर्तियों से पहले आपके डॉक्यूमेंट की बहुत ही अच्छी तरह जांच होती है, उसके बाद अगर आप सेना में भर्ती हो जाते हैं तो जब भर्ती होकर आप फर्स्ट डे ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं और एक बार रिकॉर्ड में उसका वेरिफिकेशन होता है। आर्मी में जाने के बाद आपका पहला दिन से लेकर पहले वीक की इसकी एक वीडियो बनाई है, देखना आप लोगों को पता चल जाएगा कि आर्मी लाइफ स्टार्ट कैसे होती है। तो फ्रेंड्स ये तो होता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी कसम परेड होने से पहले आप लोगों का एक बार पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपके जो घर या आपके गांव के नज़दीक जो पुलिस थाना होता है वहां से आपकी वेरिफिकेशन की जाती है, और एक ही बार होता है वो। उस वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोगों की कसम परेड होती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये बोलते हैं डेविल डूडियो, सर ग्रैंडफादर का रिलेशन चलता है क्या? मेरे भाई रिलेशन सर्टिफिकेट सिर्फ फादर का या आपके ब्रदर का चलता है, इसके सिवा रिलेशन सर्टिफिकेट और किसी का नहीं चलता है। आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोलते हैं माहिरा शर्मा, सर कमांडो में क्लर्क वाले जा सकते हैं क्या? सबसे पहले एक बात बता दूँ कि माहिरा जी कमांडो में किसी भी ट्रेड के जा सकते हैं, लेकिन एक्टिव जो कमांडो का रोल होता है वो सोल्जर जेडी का ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं बोलता हूँ कि क्लर्क भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आप ही सोचें कि एक जो क्लर्क, ऐसा नहीं होता कि पैरा स्पेशल फोर्स में या एनएसजी में क्लर्क नहीं होते, पैरा स्पेशल फोर्स में भी क्लर्क होते हैं, एनएसजी में भी क्लर्क होते हैं, और वो भी कमांडो कहलाते हैं, लेकिन वो कहलाएंगे क्लर्क, अपने उनको मेन ट्रेड का ही काम करना पड़ता है। लेकिन हाँ इवेंट में एक्सरसाइज में उसमें वो शामिल रहते हैं और उनको भी सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसी के बाद वो पैरा स्पेशल फोर्स में जाते हैं। तो पैरा स्पेशल फोर्स हो चाहे एनएसजी हो, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत ही टफ और बहुत हार्ड है, जो उसको पार कर पाता है वही कमांडो बनता है। अब लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोलते हैं दीपक बनारे, सर भारत में जय हिंद क्यों बोला जाता है जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है? मेरे भाई जय हिंद पता है क्यों बोला जाता है? जय हिंद, सबसे पहले जय हिंद बोलते जोश और जुनून जग उठता है इंसान की बॉडी। मोदी जी का तो सिर्फ मतलब भाषण में हो सकता है 56 इंच का सीना, लेकिन आप जब दिल से जय हिंद बोलो तो आप लोगों की भी छाती चौड़ी हो जाती है। और जय हिंद का मतलब होता है हिंद की जय हो, इसे किसी धर्म से जोड़ के न देखा जाए। जय हिंद का मतलब होता है कि जय हिंद, यानी कि हिंद की जय हो और हमारे हिंद की हमेशा ही जय हो, इसलिए भारतीय सेना में जय हिंद बोला जाता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, इसीलिए मान लिया कि कोई एक रेजिमेंट है, मान लिया जाए राजपूतों की रेजिमेंट है, उसमें अगर एक क्लर्क अगर मान लिया जाए किसी और धर्म विशेष का है, चाहे किसी भी धर्म का ले लें, अगर वो वहां जाता है तो इनके भी वो भी राम राम बोलता है, वो भी जय हिंद बोलता है, और वो भी कालिका माता की जय बोलता है। अगर एक क्लर्क किसी भी धर्म का हो, गुरखा रेजिमेंट में जाता है, तो वो भी वहां बोलता है जय मां काली आयो गुरखाली। तो ऐसा नहीं होता, फौज का धर्म एक अलग होता है, और फौज में एक राजपूत बंदा हो चाहे कोई सी भी कैटेगरी का जात का बंदा हो, वो हर बंदे से एक समान रहता है, साथ में रहते हैं। अगर एक मुस्लिम अगर हिंदुओं के मंदिर में आएगा तो फौज में एक हिंदू भी मस्जिद में जाके माथा टेकता है। और हमारे फौज में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे फौज में मंदिर मस्जिद अलग से नहीं होता, बल्कि एक जगह होता है, वहाँ पर मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा, गुरुद्वारा भी होगा, चर्च भी होगा अधिकतर कोर सीनूट में, तो वहां पर। और उस जगह पता क्या बोला जाता है? सर्वधर्म स्थल, यानी कि सर्वधर्म समान, सर्व धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों की जय हो और सभी धर्म समान है। इसलिए हमारे यहाँ फौज में जात पात धर्म नहीं देखा जाता है, यहाँ सिर्फ अपनापन देखा जाता है, और एक परिवार है और हमारी एक ही माँ होती है, माँ भारती, उसी की संतान है। जब हम एक माँ के बच्चे हैं तो हमारे में धर्म तो कोई मैटर करता ही नहीं है।
आशा करता हूँ आप लोगों के जवाब मिल गए होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो मैं बनाऊंगा आपको सोल्जर ट्रेड्समैन को लेकर, यानी कि सोल्जर, कई लोग मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं कि सर सोल्जर ट्रेड्समैन क्या खराब ट्रेड है और उसके बारे में आप डिटेल से बताइए। तो कल की वीडियो या कल नहीं तो मैं परसों वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि सोल्जर ट्रेड्समैन का क्या काम होता है, सोल्जर ट्रेड्समैन से भी आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस सोल्जर ट्रेड्समैन के अंदर में किस किस ट्रेड का क्या काम होता है, पूरी एक कंप्लीट वीडियो आपको कल नहीं तो आपको परसों देने की कोशिश करता हूं। और जिनके यहाँ भर्ती आ गए वो अपनी भर्तियों की तैयारी चरम पे करें, और जिनके यहाँ नहीं आए वो भी अपनी भर्तियों की तैयारी जारी रखें, क्योंकि आप देख रहे होंगे मतलब डे टू डे न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आप लोगों को नई भर्तियों की खुशखबरी हमेशा देते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोर से बोलो भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।